मैं संजय सैनी, HOD इलेक्ट्रॉनिक्स, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज अलवर। आज मैं आपको क्रिस्टल माइक्रोफोन के बारे में बताने जा रहा हूँ। मेरी पिछली दो क्लास के अंदर आपने एक तो कार्बन माइक्रोफोन पढ़ा था और एक कंडेंसर माइक्रोफोन पढ़ा था। आज मैं आपको क्रिस्टल माइक्रोफोन के बारे में बताऊँगा। क्रिस्टल, आप जैसा आप जानते हैं, इसमें पीजो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी होती है। पीजो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी का मतलब, अगर आप इस पर कोई मैकेनिकल प्रेशर डालेंगे या इसको डिफॉर्म करेंगे, इसकी शेप आप इसमें शेप में चेंज करोगे कोई प्रेशर डाल के, तो एक वोल्टेज जनरेट करता है। और ये प्रोसेस रिवर्सिबल होती है। अगर आप इस पर वोल्टेज जल डालोगे तो इसकी जो शेप में डिफॉर्मेशन पैदा होगी और वो एक फ्रीक्वेंसी जनरेट करेगा, और ये फ्रीक्वेंसी बहुत एक्यूरेट होती है। तो ये जो क्रिस्टल ऑसिलेटर का ये वाली प्रॉपर्टी है, हम अपने जो घड़ियाँ होती हैं, क्वार्ट्ज की घड़ियाँ होती है, डिजिटल घड़ियाँ होती हैं, उसमें ये काम में लेते हैं। तो ये क्रिस्टल क्वार्ट्ज क्रिस्टल होता है, तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये आप देख रहे हैं, नेक्स्ट स्लाइड, इट इज़ अ कंस्ट्रक्शन। क्रिस्टल माइक्रोफोन जो है, जनरली डिफॉर्मेशन ऑफ द पीजो इलेक्ट्रिक एलिमेंट का करता है क्रिस्टल और सिरेमिक, और इट विल जनरेट पीजो इलेक्ट्रिक चार्ज इन अपोजिट फेजेस ऑफ द फ्लूइड। और द कॉमनली यूज्ड डिफॉर्मेशन आर शियर, बेंडिंग, वॉल्यूम कंप्रेसर, लॉन्गिट्यूड कंप्रेसर एक्सेट्रा। ये ब्लॉक डायग्राम है एक पीजो इलेक्ट्रिक, एक क्रिस्टल माइक्रोफोन का। अब इसके अंदर आप देखिए कि ये जो पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल, जो काट एक पीजो इलेक्ट्रिकल एलिमेंट जो है इसके अंदर, जो आप देख रहे हैं, ये रोशील साल्ट और सिंथेटिक क्रिस्टल अमोनियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट ADP क्रिस्टल का बना होता है। कौन कौन सा है? या तो रोशील साल्ट या सिंथेटिक क्रिस्टल अमोनियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट, जिसको कि हम शॉर्ट में ADP कहते हैं, ADP क्रिस्टल यूज होता है जनरली इसके अंदर। और पीजो इलेक्ट्रिक एलिमेंट की प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी ऑफ प्रोड्यूसिंग ए वोल्टेज व्हेन बेंट और ट्विस्टेड, जब इसको मोड़ा जाता है या ट्विस्ट किया जाता है, तो इसमें एक प्रॉपर्टी होती है जो कि ये वोल्टेज जनरेट करता है। अब इसमें जैसा कि आप देख रहे हैं, इनके बीच में टू थिन क्रिस्टल प्लेट्स सूटेबली कट्स आर माउंटेड इन द इंसुलेटिंग होल्डर विद एन एयर स्पेस बिटवीन देम। देख रहे हैं आप, इसमें बीच के अंदर दो क्रिस्टल प्लेट इसके अंदर माउंटेड की हुई है, एक इंसुलेटर होल्डर के अंदर इसको माउंटेड किए क्रिस्टल असेंबली क्लैंपर के द्वारा। और एयर स्पेस के बीच में नाउ, अब इसमें क्या होता है, देखिए इसमें डायफ्राम लगा हुआ है। डायफ्राम का जो सीधा कनेक्शन है वो किससे है, क्रिस्टल प्लेट से। तो इसके अंदर क्या होगा, व्हेन ए वेव ऑफ कंप्रेशन अराइव फ्रॉम द सोर्स ऑफ साउंड एंड स्ट्राइक द डायफ्राम, कोई भी साउंड वेव आई और अगर ये डायफ्राम पे स्ट्राइक करेगी तो इस डायफ्राम का मोशन होगा और क्रिस्टल की जो प्लेट है वो बैंड होगी। मोशन हुआ, नेचुरल है, क्रिस्टल की प्लेट बैंड होगी। और जब ये बैंड होगी तो क्या करेगी, ये वोल्टेज जनरेट करेगी बिटवीन द प्लेट्स, जो कि क्रिस्टल की प्रॉपर्टी है। मैंने कहा था अभी आपको कि बैंड और ट्विस्टेड होता है ये, तो ये वोल्टेज जनरेट करता है बिटवीन द प्लेट।
इसका उल्टा भी हो सकता है कि अगर आप इसमें वोल्टेज लगा दो तो ये जनरेट करेगा पीजोइलेक्ट्रिक, इसके अंदर मैकेनिकल वाइब्रेशन होंगे अगर आप वोल्टेज लगा दोगे, या इसकी शेप डिफॉर्म हो जाएगी। तो जनरेटेड पीजो इलेक्ट्रिक ईएमएफ वेरीज इन फ्रीक्वेंसी एंड मैग्नीट्यूड विद द ओरिजिनल साउंड। अब चूंकि इसमें डायफ्राम पे साउंड पड़ रही है और जो ये क्रिस्टल का डिफॉर्मेशन और ट्विस्ट जो हो रहा है, ये किस पर डिपेंड हो रहा है? आप सीधा सीधा साउंड पर, क्योंकि जितनी इंटेंसिटी की साउंड होगी उतना ज़्यादा ये ट्विस्ट होगा, उतना ज़्यादा ये वोल्टेज जनरेट करेगा। तो आप कह सकते हो इसके अंदर सीधा सीधा कि जो साउंड है, जो इलेक्ट्रिक वोल्टेज और इलेक्ट्रिक सिग्नल जो इसमें जनरेट हो रहा है, वो टोटली डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द साउंड। तो यही हमारा मेन पर्पज़ होता है, जैसे मैं पिछली क्लास में भी बता चुका हूँ कि जो माइक्रोफोन है ये बेसिकली एक ट्रांसड्यूसर है जो कि साउंड वेव को इलेक्ट्रिक वेव में कन्वर्ट करता है, इट इज़ बेसिकली ए ट्रांसड्यूसर। तो यहाँ आपने देखा कि ये जो है साउंड वेव जो डायफ्राम पे पड़ रही है और इसके कारण जो है वाइब्रेशन हो रहा है और इस पर क्रिस्टल प्लेट के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है, प्रेशर पड़ने से ये मुड़ रही हैं या ट्विस्ट हो रही हैं और ट्विस्ट होने से इसके अंदर वोल्टेज जनरेट हो रहा है। जितनी ज़्यादा ये इस पर साउंड का प्रेशर तेज पड़ेगा उतनी ज़्यादा ये ट्विस्ट होएंगी, उतना ज़्यादा वोल्टेज प्रोड्यूस होगा। तो द इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो जनरेट हो रहा है इस तरीके से, दैट इज़ डायरेक्टली डिपेंड ऑन द साउंड। और यही हमारा मकसद था इसके अंदर। अब क्रिस्टल माइक्रोफोन जो है, इसका जो है रेस्पॉन्स की बात करें तो ये सीवियर ट्रेबल लॉस, हाई फ्रीक्वेंसी लॉस इसके बियॉन्ड 7 किलोहर्ट्ज, ट्रेबल लॉस इसमें बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि ये इसका जो है 7 किलोहर्ट्ज से नीचे इसके अंदर गुड यूनिफॉर्म फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स। दूसरा एडवांटेज है इस क्रिस्टल माइक्रोफोन का कि इट इज हाई आउटपुट इम्पीडेंस, इसका जो हाई आउटपुट इम्पीडेंस है वो हाई होता है और इसको आप डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो ऑडियो एम्पलीफायर से। सीधा हम इसमें कोई प्री एम्पलीफायर लगाने की जरूरत नहीं है, जैसा कि आपने कंडेंसर माइक्रोफोन में देखा था, वहाँ आपको एक प्री एम्पलीफायर की जरूरत पड़ रही थी और उसके लिए आपको 200 वोल्ट की एक सप्लाई लगानी पड़ रही थी जिसका कि वजन बहुत ज़्यादा हो रहा था। यहाँ पर ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, आप सीधा की सीधा जो है आउटपुट इसके एम्पलीफायर को दे सकते हो विदाउट यूजिंग द प्री एम्पलीफायर। तो क्रिस्टल एम्पलीफायर के क्या क्या एडवांटेज है? इसका जो है यूनिफॉर्म रेस्पॉन्स होता है फ्रीक्वेंसी, और डिसएडवांटेज क्या हुआ? इसमें ट्रेबल लॉस होता है बियॉन्ड 7000 हर्ट्ज और 7 किलोहर्ट्ज, इसकी आउटपुट इज रिलेटिवली लो। क्रिस्टल माइक्रोफोन का जो है इट हैज़ अ हाई आउटपुट इम्पीडेंस, हाई आउटपुट इम्पीडेंस होने के कारण आप इसको डायरेक्ट ऑडियो एम्पलीफायर से कनेक्ट कर सकते हैं और इसकी जो बैकग्राउंड नॉइजेज होती है वो काफ़ी कम होती है। कार्बन माइक्रोफोन में पढ़ा था आपने, बैकग्राउंड नॉइज सबसे ज़्यादा होती है कार्बन ग्रेनुल्स के कारण, चिपक जाते हैं, तो चिपकने के कारण उसके अंदर बैकग्राउंड नॉइज काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इस तरीके से आपने ऐसी कंस्ट्रक्शन देखी डायफ इसकी क्रिस्टल माइक्रोफोन की,
कि दो प्लेट होती हैं इसके अंदर क्रिस्टल की। क्रिस्टल कौन सा यूज़ करते हैं अपन, या तो रोशिल साल्ट यूज़ करते हैं या सिंथेटिक क्रिस्टल अमोनियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट ADP क्रिस्टल का यूज़ करते हैं। और डायफ्राम पे कनेक्टेड होता है ये, डायफ्राम पे जब भी साउंड का प्रेशर पड़ता है इसमें डिफॉर्मेशन और ये आप कह सकते हैं कि ये ट्विस्ट होती है। ट्विस्ट होने से इसमें वोल्टेज जनरेट होता है और वोल्टेज को हाई, क्योंकि इसका आउटपुट इम्पिडेंस वेरी हाई होता है, तो आप सीधा सीधा इसको एम्पलीफायर पे कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये इसकी कंस्ट्रक्शन हो गई। अभी नेक्स्ट स्लाइड में इसको पूरा एक्सप्लेन करा हुआ है कि ये फिगर 1.5 जो आपने देखा था अभी, ये क्रिस्टल माइक्रोफोन है, जनरली टेप रिकॉर्डर में यूज होता है। और पीजो इलेक्ट्रिक एलिमेंट इज क्रिस्टल कट फ्रॉम रोशिल साल्ट, जैसे मैंने बताया था आपको, रोशिल साल्ट से हुआ या सिंथेटिक क्रिस्टल अमोनियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट ADP क्रिस्टल का ये यूज होता है, आर कॉमनली यूज इन कंस्ट्रक्शन दिस माइक्रोफोन। और जो है अब पीजो इलेक्ट्रिक एलिमेंट हैज द प्रॉपर्टी ऑफ प्रोड्यूसिंग ए वोल्टेज वैन बैंड और ट्विस्टेड। तो टू थिन क्रिस्टल प्लेट सुटेबली कट आर माउंटेड इन ए इंसुलेटिंग होल्डर विद एन एयर स्पेस बिटवीन देम। जैसे मैंने बताया था आपको कि दो क्रिस्टल की प्लेटें एक इंसुलेटिंग होल्डर में माउंट कर देते हैं विद एन एयर स्पेस बिटवीन देम। और व्हेन ए वेव ऑफ कंप्रेशन अराइव फ्रॉम द सोर्स ऑफ साउंड एंड स्ट्राइक द डायफ्राम, मोशन ऑफ द डायफ्राम बैंड बोथ द क्रिस्टल फेड इनवर्ड्स। क्योंकि डायफ्राम सीधा की सीधा किससे कनेक्टेड है, प्लेट से कनेक्टेड है, तो डायफ्राम जब डायफ्राम का मोशन होगा तो ये प्लेट का भी मोशन होगा या बैंड होएंगी ये। और विच कॉजेज ए वोल्टेज टू बी जनरेटेड बिटवीन द प्लेट्स। कन्वर्स विल हैपन व्हेन ए रिफ्रैक्शन वेव स्ट्राइक द डायफ्राम। पीजो इलेक्ट्रिक EMF वेरीज इन फ्रीक्वेंसी एंड मैग्नीट्यूड विद द ओरिजिनल साउंड वेव। फ्रीक्वेंसी और मैग्नीट्यूड दोनों के अंदर वेरी करेगी, किसके डिपेंड करेगी, ओरिजिनल साउंड वेव। और जो रिजल्टिंग पोटेंशियल डिफरेंस इज विच इज अल्टरनेटिंग इज एम्पलीफाइड बिफोर इट सप्लाई टू ए लाउड स्पीकर। एम्पलीफाई किया जाता है लाउड स्पीकर पे भेजने से पहले। क्रिस्टल माइक्रोफोन है वेरी गुड यूनिफॉर्म फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स, बट इसके अंदर सीवियर ट्रेबल लॉस होता है बियॉन्ड 7000 हर्ट्स और यू कैन से 7 kHz। ट्रेबल लॉस मीन्स हाई फ्रीक्वेंसी लॉसेस। इसकी आउटपुट जो है रिलेटिवली लो होती है, बट क्रिस्टल माइक्रोफोन हैव हाई आउटपुट इम्पिडेंस, हैंस इट कैन बी डायरेक्टली कनेक्टेड टू द ऑडियो एम्पलीफायर, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ पहले। और बैकग्राउंड नॉइजेस इसमें कम होती है। तो ये आपने देखी क्रिस्टल माइक्रोफोन की वर्किंग देखी आपने, और इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज पढ़े आपने। एडवांटेज इसके अंदर इसमें आप कह सकते हैं कि इसका हाई आउटपुट इम्पिडेंस होता है, तो इसमें प्री एम्पलीफायर की ज़रूरत नहीं होती, अपन सीधा की सीधा ऑडियो एम्पलीफायर पर कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें बैकग्राउंड नॉइज़ काफ़ी कम होती है, 7000 हर्ट्ज से नीचे नीचे इसका फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स यूनिफॉर्म होता है। और डिसएडवांटेज क्या है, इसकी रिलेटिवली आउटपुट जो है लो होती है, और दूसरा 7 kHz से ऊपर या 7000 हर्ट्ज से ऊपर इसमें सीवियर ट्रेबल लॉस होता है, हाई फ्रीक्वेंसी लॉसेज होते हैं। ये इसकी वर्किंग होगी, एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते हैं। अब हम इसके थोड़ा फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स को देखेंगे कि फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स इसका कैसा है। तो ये देखिए आप, इसका ये फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स है, इसके अंदर एक्स एक्सिस जो है वो आपके फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी कौन कौन सी होगी, 40 है, 100, 200, 400, 1000, 2000, 4000 और 10000।
वाई एक्सिस जो है रेस्पॉन्स डी बी है, माइनस 60 माइनस 55 देन 45। डेसिबल आपको पता ही है, अगर पावर पावर गेन है ये, तो फॉर्मूला होता है इसका 10 लॉग बेस 10 पावर आउटपुट अपॉन पावर इनपुट। और अगर ये वोल्टेज गेन है तो इसका फॉर्मूला होता है 20 लॉग बेस 10 वोल्टेज आउटपुट अपॉन वोल्टेज इनपुट। तो इस तरीके से अपन ये डेसिबल निकाल लेते हैं इसमें। तो वाई एक्सिस इसकी डेसिबल में है गेन, और एक्स एक्सिस इसमें फ्रीक्वेंसी में है। अब आप देखिए इसमें मल्टीपल फ्रीक्वेंसी चल रही है, दोगुनी होती हो रही है, फिर 1000 2000 4000। तो ये जो एक्स एक्सिस है, मैंने पहले ही बताया आपको, अगर आप इसको सेमी लॉग पेपर लोगे तो इसका प्लॉट बड़ा एक्यूरेट बनेगा। एक्स एक्सिस इसके अंदर लॉगरिथम स्केल होगी, और वाई एक्सिस नॉर्मल एक डिकेडिंग स्केल होगी। तो आप 100 का मतलब होगा 10 to the power 2, इसको आप ले सकते हो स्केल के लॉगरिथम स्केल पे। तो आपको प्लॉट करने में इसमें आसानी होगी, कि ये लॉगरिथम स्केल के ऊपर आप लेके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आप नॉर्मल डिकेडिंग के अंदर ले सकते हैं। तो इसके अंदर देख रहे हैं, जैसे कि आप फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स जो देख रहे हैं आप स्पीकर के अंदर, अगर आप अपन इस फिगर को देखें, दिस कर्व रिप्रेजेंट द ओपन सर्किट रेस्पॉन्स इज डी बी एज ए फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी। ओपन सर्किट रेस्पॉन्स इन डी बी एज ए फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी, और रेस्पॉन्स राइजेज इन द रेंज ऑफ 2000 to 5000 hertz, और दिस इंक्रीज एज ए रिजल्ट अप्रोचेज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी of the mechanical resonance of the system। तो fundamental frequency होती है, एक मूल frequency होती है, तो उस पर जैसे ही response आता है उसके अंदर output maximum होता है। तो ये 7000 के ऊपर इसका output आता है, उसके बाद ये बड़ा इसमें severe travel loss आ जाता है, तो output इसका घटने लग जाता है। देख रहे हैं आप 4000 तक तो ये रेस्पॉन्स बिल्कुल यूनिफॉर्म है, उसके बाद इसका बढ़ने लगा, और फिर 7000 के बाद बियॉन्ड जो है ये जो है बिल्कुल इसके अंदर लो हो गया। तो ये आप देख रहे हैं इसका कर्व, और ये क्रिस्टल माइक्रोफोन हो गया। अब आप 2000 से लेके 5000 तक इसका राइज हो रहा है, हल्का सा राइज है, देखिए आप गौर से इसको, और 7000 से बाद इसमें बहुत तेजी से डाउन है। मैकेनिकल फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ मैकेनिकल रेजोनेंस के ऊपर ये इसका रेस्पॉन्स सबसे हाई रहता है। ये इसका फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स हो गया। तो आप देखिए कि फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स ऑफ द, इसका डिस्क्रिप्शन है कि आप देख रहे हैं कि फिगर 1.6 जो इसका फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स का प्लॉट था, रेस्पॉन्स कर्व ऑफ क्रिस्टल माइक्रोप्रोसेसर माइक्रोफोन फॉर कांस्टेंट प्रेशर, और दिस कर्व रिप्रेजेंट द ओपन सर्किट रेस्पॉन्स इन डीबी एज ए फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी। और जैसा मैं बता चुका हूँ आपको, रेस्पॉन्स राइजेस इन द रेंज ऑफ 2000 to 5000, और ये इंक्रीज होता है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी तक, और रेस्पॉन्स फॉल बियॉन्ड द 7000 हर्ट्ज, रिजल्टिंग ए सीवियर ट्रेवल लॉस।
तो इस तरीके से आपने इस क्लास के अंदर देखा उसमें क्रिस्टल माइक्रोफोन को, क्रिस्टल माइक्रोफोन की जो पीजो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी होती है वो अपन ने यूज़ करी, आपने देखा कैसे ये साउंड वेव के कारण इसमें डिफॉर्मेशन होता है डायफ्राम के थ्रू, और ये डिफॉर्मेशन के कारण वोल्टेज प्रोड्यूस करता है, और जो ये वोल्टेज है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है किस पर, साउंड वेव पे। तो हमको ये कि रेस्पॉन्स मिल गया, साउंड को किस में कन्वर्ट कर दिया, इलेक्ट्रिक सिग्नल में। इसके बाद आपने इसके एडवांटेज पढ़े कि इसमें आउटपुट इम्पीडेंस हाई होता है तो आपको एक प्री एम्पलीफायर लगाने की ज़रूरत नहीं है, आउटपुट आप सीधा एम्पलीफायर पे दे देते हैं, और फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स इसका फ्लैट होता है, और दूसरी इसमें बैकग्राउंड नॉइज़ नहीं होती, बहुत कम होती है। डिसएडवांटेज जहाँ तक देखे आपने इसमें, डिसएडवांटेज जो थे इसके वो पहला डिसएडवांटेज था इसके अंदर कि इसमें हाई ट्रेबल लॉस, 7000 हर्ट्स के ऊपर जाते ही ट्रेबल लॉस बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। दूसरा आपने देखा था इसकी आउटपुट लो होती है, तो ये इसके डिसएडवांटेज थे। अब मैं आपको अपनी अगली क्लास के अंदर मूविंग कॉइल माइक्रोफोन के बारे में बताऊंगा। आपके सिलेबस में चार तरह के माइक्रोफोन हैं, पहला तो था आपका क्रिस्टल कार्बन, फिर कंडेंसर पड़ा, कंडेंसर जो कैपेसिटेंस के ऊपर आधारित था, अभी क्रिस्टल माइक्रोफोन पढ़ा आपने, ये तीसरा था, अब चौथा है मूविंग कॉइल माइक्रोफोन, जो कि मेरी कल क्लास लूँगा उसके अंदर बताऊँगा। तो सुनने के लिए धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट।